तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको 5000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इन सभी स्मार्टफोन में आपको काफ़ी बेहतरीन फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एक लंबी बैटरी देखने को मिल जाएगी, बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, बेस्ट कैमरा क्वालिटी स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको ये सारे फीचर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसमें आपको मैंने बेस्ट 5 स्मार्टफोन है, जो कि 5, 4, 3, 2, 1 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, रैंकिंग वाइज है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपका अगला स्मार्टफोन है Xiaomi F8 न्यू। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और इसकी डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इसमें आपको फेसन लॉक देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये स्मार्टफोन रन करता है। तो गाइस इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे, बैक में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगी। तो अभी इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको 5.45 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 2.5D कवर्ड ग्लास देखने को मिल जाएगा। तो गाइस डिस्प्ले की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो इसमें इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ आपको 3000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1.6 GHz के चिपसेट पर स्मार्टफोन काम करता है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अब इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो ये 5299 रुपये में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 2GB रैम, 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गाइस इसकी इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बैटरी लॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस भी, आप हल्के फुल्के गेमर हैं, मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको बैक और फ्रंट में LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका जो अगला स्मार्टफोन है वो है Alexa Tel 3X। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और इसकी डिज़ाइन तो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। 5.7 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि IP LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, तो जिसके साथ आपको 2.5D कवर्ड ग्लास देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जिससे आपके टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं डिस्प्ले के। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो गाइस इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और 5 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेकंड कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसमें आपको फ्रंट और बैक में LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 3000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो MediaTek का MT6739 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। नॉर्मल वर्क के लिए आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। इसमें आपको 3GB रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो गाइस काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो अब इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो 5000 रुपये के अंदर आपको ये स्मार्टफोन देखने को Xiaomi Max। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और ये काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी मार्केट में काफ़ी अच्छे इसमें रेटिंग आ रही है। तो इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, डिज़ाइन वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.1 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 2.5D कवर्ड ग्लास देखने को मिल जाएगा और जो कि वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो आपको इमेज क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी फीचर है। अब इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 2GB रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये एंड्रॉयड V10 पर रन करता है। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 1.6 GHz के चिपसेट पर स्मार्टफोन रन करता है। तो प्रोसेसर हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। अब इसकी प्राइस के बारे में बात करें, तो ये 5500 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। फीचर काफ़ी अच्छे हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से।
Xiaomi A1 Lite जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। डिज़ाइन वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 5.3 इंचेस की HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 2.5D कवर ग्लास देखने को मिल जाएगा। तो गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी और परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको एक कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि 13 मेगापिक्सल का है, और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप कोई 5000 रुपये में कैमरा वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। तो इसकी इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और इसमें प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो मीडियाटेक का 6753 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 1.3 GHz के चिपसेट पर यह स्मार्टफोन रन करता है। तो गाइस हल्का फुल्की गेमिंग कर सकते हो इसमें, आप नॉर्मल वर्क कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। इसमें आपको रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो 3GB रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गाइस इसमें आप अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है ये, स्मार्टफोन आपको 5300 रुपये में देखने को मिल जाएगा, तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर। सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर, जी हाँ दोस्तों, ये सैमसंग का सबसे लो प्राइस वाला स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी अच्छा है मार्केट में इसकी। तो गाइस अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगी, डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 5.3 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो गाइस डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 8 MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, और 5 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसकी इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी है। अभी इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, MT6739, जो कि नॉर्मल वर्क के लिए आपको काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना आने वाली नहीं है। ये एंड्रॉयड V10 पर रन करता है। अब इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो गाइस इसमें 2 वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 2GB रैम, 32GB का स्टोरेज आपको 6000 रुपये के अंडर देखने को मिल जाएगा, और 1GB रैम, 16GB का स्टोरेज जो कि आपको 5000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसमें आप वो 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसमें आपको फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा, और 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप 6-8 हज़ार रुपये के कोई भी स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में मैंने दे दी वीडियो, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए बढ़ते हैं आपके गले स्मार्टफोन की तरफ। आईटेल A47 जी हाँ दोस्तों, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और डिज़ाइन वाइज आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 5.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको फुल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अभी इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 5 MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा, बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, और 5 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसकी इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, 720 में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 3020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। अभी इस स्मार्टफोन के मेन प्रोसेसर के बारे में बात करते हो, तो इसमें आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं, नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और ये एंड्रॉयड V9 पर स्मार्टफोन रन करता है। अभी इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 2GB रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा, और बैक में और फ्रंट में LED फ्लैश देखने को मिल जाएगा। तो अब इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो ये 5,500 रुपये के अंदर आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं।